हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर जी आपने इंट्रोडक्शन छोड़ दिया, केमिस्ट्री में बाकी सब पढ़ा दिया। तो भैया अभी हमने कोई क्लास ऐसा तो कह नहीं दिया, कोर्स खत्म हो गया है, तीन चार टॉपिक आपके केमिस्ट्री में रह गए हैं। तो पहले हम कुछ बातें आपकी क्लियर करते हैं, फिर इसे पूरा कंप्लीट करा देते हैं। तीन, जैसे एक कन्फॉर्मर्स रह गया, उसमें चेयर फॉर्म है, बोट फॉर्म है, बेंट रूल है, कुछ चीजें हैं, चार पांच जो आपकी बची हैं। बाकी वन टू वन आप प्रॉपर मॉडल पेपर उठाएं, अनसॉल्व उठाएं और एक एक हेडिंग मिला दें, कुछ भी छोड़ा नहीं है। जितना हमने यहाँ ऑफलाइन में कराया उतना सब आपको करा दिया। अब आपका काम यह है, आपको मन लगा के पढ़ना। जो लोग भी MJPRU से रिलेटेड है, उनसे कॉलेज है, उसके अलावा भी किसी की यूनिवर्सिटी है, तो हमने बार बार कहा है आप टेंशन मत लीजिए। जो भी टॉपिक्स आपको मिल गए हैं बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी मेहनत करिए कि पेज पे जो टॉपिक आपको चाहिए वो लिख के मैसेज कर दीजिए हमें व्हाट्सएप पे, हमने कई बार नंबर दिया है, यहां नहीं तो BD/CADN/BSc पे हम बना देंगे, तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। फिलहाल अभी हम इंट्रोडक्शन की बात करें। कुछ चीजें, देखिए ये पेपर में कुछ नहीं आएगा, पिछली बार भी नहीं आया था, एक दो नंबर में पूछ लिया जाए, मल्टीपल आते नहीं है, तीन नंबर में आ जाए तो एक अलग बात है, वरना इससे नहीं आता है। ठीक, तो आइए कुछ बात कर लेते हैं। बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी कहां, BD/CADN/BSc टेलीग्राम पे। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले डोला यंत्र। इंट्रोडक्शन का मतलब पुराने जमाने की जो केमिस्ट्री थी उसमें कैसे कैसे जो है यंत्र इस्तेमाल होते थे, कौन कौन सी चीजें थी, कौन वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट कौन, केमिस्ट थे, उन सबके बारे में। तो डोला यंत्र क्या है, इस यंत्र की हेल्प से केमिकल्स में प्रेजेंट ह्यूमिडिटी को अलग किया था। ह्यूमिडिटी मतलब समझते हो नमी को। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी डोला यंत्र आपने क्यों लिख दिया, जैसे ऑपरेटर लिखते यंत्र को इंग्लिश में ऑपरेटर लिख सकते हैं। और भी भैया जो कभी कभी कुछ होता है, कुछ नामों के नाम वैसे ही लिखे जाते हैं, जो हिंदी में अगर डोला यंत्र है तो यंत्र ही बोलेंगे उसे, ठीक है। तो इसे आप चाहें तो डोला ऑपरेटर अजीब लगेगा, डोला यंत्र को यंत्र ही बोलेंगे, वरना आदमी कहते हैं अरे सर जी तो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में आ गए, ऐसा नहीं है, यंत्र है तो उसे हम लोग यंत्र ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस यंत्र की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, प्रेजेंट ह्यूमिडिटी, या यहाँ पे यंत्र मत लिखें आप, इस ऑपरेटर्स को लिख सकते हैं, ठीक है सर। इस तरीके का डोला यंत्र होता है, आप बना लेंगे, ठीक है, PDF आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद होता है स्वादनी यंत्र, इसका यूज किसी केमिकल को स्लोली स्लोली हीट करने के लिए किया जाता था, इस तरीके का होता था स्वादनी यंत्र, ठीक है सर। उसके बाद अगला होता पाटना यंत्र, इसका यूज सबलीमेशन, सबलीमेशन समझते हैं आप, सबलीमेशन का मतलब होता है हिंदी में अगर हम कहें संघनन, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है, नहीं कंडेंस, सबलीमेशन का मतलब होता है उदरपातन। अरे यार हिंदी इंग्लिश बड़ा कंफ्यूज कर देती, सबलीमेशन का मतलब होता है उदरपातन। उदरपातन क्या होता है, एक मान लिया बर्फ है, ध्यान से समझिएगा, बर्फ है, बर्फ को हमने क्या किया, ठंडा किया। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या कर रहे हैं आप, सुनिए, सबसे पहले अपने पास बर्फ है, बर्फ को हमने गर्म किया तो क्या बनेगा, पानी, और पानी को हमने गर्म किया तो क्या बनेगा, भाप बनेगी ना। यानी ध्यान से समझिए, हम यहां पे आपको समझाते हैं कि भैया जब कभी भी ठोस को गर्म करा जाता है, किसे गर्म करा जाता है, ठोस को, तो ठोस से क्या बनता है, द्रव, और द्रव से क्या बनता है गैस। सर जी इंग्लिश में बताइए, जब कभी सॉलिड को गर्म करते हैं, सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड, और लिक्विड से क्या बनती है, गैस। लेकिन ऐसा कोई जादू हो जाए कि लिक्विड बने ही ना, सीधे सॉलिड से गैस हो जाए, सॉलिड से क्या हो जाए, गैस हो जाए, तब हम लोग उसे कहते हैं सबलिमेशन, ठीक है सर, यानी उदरपातन। जैसे तो जैसे होता कपूर, कपूर आप गर्म करिए कभी भी पिघलता नहीं, सीधे भाप बन के उड़ जाता, बाष्प बन के। तो इसे कहते हैं पाटना यंत्र, ठीक है। सबलिमेशन डिस्टिलेशन में यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन मतलब होता आसमान इकट्ठा करना। उसके बाद ये होता अन्य भुदुर यंत्र, बोले सर जी क्या है, बड़ा खतरनाक खतरनाक, बोले मोहल्ले में लड़ाई हो गई, हम तो गाली आलिए में आती हूँ तुम्हारी, अन्य भुदुर यंत्र पता नहीं क्या कह दिया था, ठीक है सॉरी, जो भी है वो क्लियर है, जो आता कह देते हैं। तो HG से रिलेटेड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए ये पूछा जाएगा, इस यंत्र का उपयोग जो है वो किसके लिए करते थे, तो HG से जो रिलेटेड, HG मतलब मरकरी 80 नंबर होता है, इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनके फॉर्मेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते थे सर, ठीक है। उसके बाद अगला होता है तप्त खल यंत्र, ठीक है, तप्त खल यंत्र क्या होता है, HG को धीरे धीरे गर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सा कुछ यंत्र हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ केमिस्ट हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, यही बस इंट्रोडक्शन। इसकी PDF हम आपको बढ़ा देंगे टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा, और बाकी तो इतना कुछ है नहीं, डायग्राम आप मर्जी हो बनाए, बना ले तो अच्छी बात, थोड़ा अच्छा लगेगा, कॉपी जितनी बनी लिखी है, ठीक है। उसके बाद अगला है तिर्यक पाटन यंत्र, तो प्योर HG को प्राप्त करने के लिए इसका यूज करते हैं, ये रहा इस तरीके का होता है जैसा, ठीक है। उसके बाद अगला धूप यंत्र, इसका यूज स्मोक कंट्रोल, धुआं वगैरह कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पे कक्षप यंत्र, ठीक है, इसमें एक वेसल मतलब भी बर्तन होता है, को बड़े वेसल में रख देते हैं जिसमें एक क्रूसिबल रखी जाती है, क्रूसिबल आपको पता होनी चाहिए, एक प्याली होती है
हड्डी मतलब पतली क्रूसिबल हम आपको कैसे समझा लीजिए, यहीं पे हम सर्च कर, यहाँ पे बनी हुई होगी सर, ये देखिए ये क्रूसिबल रखी हुई है, तो जिसमें एक क्रूसिबल रख दी जाती है जिसमें हम लोग चीज़ों को गर्म करते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो कॉलेज में जाएंगे आप तो प्रैक्टिकल वगैरह करने को मिलेगा, तो क्रूसिबल इतनी बड़ी प्याली टाइप होगी जिसके अंदर आप रखेंगे और चीज़ों को गर्म करके प्रैक्टिकल करेंगे सर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, इष्टिका यंत्र, इसका यूज क्या, एचजी में सल्फर को मिलाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद उदर्भपातन यंत्र, ठीक है, उदर्भपातन मतलब वही सब्लिमेशन, अभी हम आपको बता चुके हैं, इसका यूज एचजी के सब्लिमेशन के लिए किया जाता है। इसमें नीचे सब्सटेंस को हीट करते हैं, ऊपर वेसल को ठंडा करके सब्सटेंस को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस में आप उदर्भपातन कह लो, हिंदी में सब्लिमेशन कह लो, एक ही बात है। उसके बाद कोष्ठी यंत्र क्या होता है, इसका यूज मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए करते हैं। मिनरल्स आपको समझ में आता होगा, जैसे आयरन हो गया है, आयोडीन हो गया है, जो सब मिनरल्स में आते हैं, ठीक है। कैल्शियम हो गया है, हमारे शरीर में मिनरल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम की कमी हो जाएगी क्या हो जाएगा, हड्डियां दांत कमजोर हो जाएंगे, आयोडीन की कमी हो जाएगी, यहां थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी, घेंगा नामक रोग हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइटिस। और उसके बाद अगर हम कह दें आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, तो मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिए सर, ठीक है। उसी तरीके से सोडियम है, मैग्नीशियम है, इन सब चीज़ें, मैग्नीशियम को पेड़ पौधों में, सोडियम पोटेशियम हम लोगों के शरीर में, सारी चीज़ें सर, ठीक है। पालिका यंत्र होता है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें इसे पकड़ने के लिए हैंडल लगा होता है, इसकी सहायता से ऑयल्स मेडिसिनल लिक्विड निकालने में किया जाता है, पुराने जमाने में चलता था, जब तक तेल निकालने के लिए इसका यूज़ करते थे सर, ठीक है। एंशियंट टाइम में केमिस्ट्री को यहाँ पे देखिए रसायन शास्त्र कहा जाता था, पुराने जमाने में क्या कहते थे, रसायन शास्त्र कहते थे। डॉक्टर पीसी रॉय ने सबसे पहले इंडियन केमिस्ट्री के सोर्स का पता लगाया। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में कुछ केमिस्ट हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे पुराने जमाने के भारतीय बताओ, ठीक है, तो भारतीय कौन कौन हो गए, नागार्जुन हो गए, बाघ भट्ट हो गए, गोविंदाचार्य हो गए, सोमदेव हो गए, रामचंद्र हो गए, यशोधर हो गए, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो सब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ केमिस्ट हैं सर, ठीक है। चरक और सुश्रुत के बारे में कौन नहीं जानता, ने मेडिकल साइंस में विशेष योगदान दिया, जबकि नागार्जुन ने केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया, ठीक भाई। तो ये है इनके बारे में, आप बेसिक पता कर लें, बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आते, ये इतने दिनों से पढ़े हुए थे, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने छोड़ दिया, तो छोड़ा कुछ नहीं है। जो लोग भी केमिस्ट्री अभी नए जुड़े हुए हैं इस वीडियो से ही, वो क्या करें, प्लेलिस्ट है प्रॉपर, पूरी प्लेलिस्ट हम यहां डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आराम से स्टार्टिंग से देखिए लास्ट तक, देख डालिए पूरी केमिस्ट्री हमने कवर कर दी है। उसके बाद फिजिक्स, वो भी हमने अच्छी खासी कराई, आज भी हमने एक वीडियो पब्लिक की है, फिजिक्स आपकी आ रही है कहां, बीडी कैडियन बीएससी पे, और बॉटनी का भी एक क्लास आ गया है, कल उसका दूसरा क्लास आने वाला है, तो प्लेलिस्ट हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस चैनल को। सबसे अच्छी बात है, बीडी कैडियन बीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, जिस भी चैनल पर वीडियो आएगी आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि जैसे वीडियो आती है लिंक वहां पर शेयर कर दिया जाता है, आपका लिंक आया क्लिक किया आपने, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उसे पढ़ लिया, बस इतनी सी बात है। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।